हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 17। सो हमेशा की तरह हम यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जो भी आपका सीटी का एग्जाम डेट है, दैट इज मोस्टली जो भी है प्रोबेबली आपका अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर का वीक में ही होगा, क्योंकि आपका जेई नेट भी क्या सितंबर में पोस्टपोन्ड हुआ है। तो सीटी का भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सितंबर में ही होगा, और जो भी ऑफिशियल न्यूज आएगी इस बार वो फाइनल रहेगी, ठीक है। उसको अभी हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। एंड सेकंड जो न्यूज बताना चाहूंगा, जो आपका HSC रिजल्ट है, आपको भी पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं, 15 जुलाई तक आ सकता है, ऐसा आपके पुणे बोर्ड के चेयरपर्सन जो भी है हमारी शकुंतला काले, उन्होंने बताया। और जो भी SSC रिजल्ट है वो जुलाई एंड और फर्स्ट वीक अगस्त में मोस्टली डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल नहीं आए हैं, बट उन्होंने एक मीटिंग में बताया है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम गेटिंग 130 to 140 मार्क्स, मैथ्स का बताया स्कोर, केम का बताया, फिजिक्स का, सो प्लीज टेल हाउ टू इम्प्रूव। सो मैथ्स का 70+ है, तो ये जो भी आपने स्कोर बताया है वो तो अच्छा ही स्कोर है, बट अभी इसमें कैसा रहता है कि जिन बच्चों का स्कोर ये 130 to 140 आता है, उनका मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर हो गया रहता है, उनको कैसे कि ये मार्क्स जो भी कट रहे होंगे, मे बी कुछ मिस्टेक से कट रहे होंगे, या कुछ तो कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं ना थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिकी वाले रहते हैं, वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े जो ब्लॉकेज रहते हैं स्टडी में, सिलेबस कवर करने में, वो उनकी वजह से मार्क्स थोड़े ये 130 to 140, बट ये इन बच्चों का कैसे कि इनका फिक्स रहता है कि इनका पढ़ाई हो गया है मोस्टली। सो इनके लिए मैं क्या बोलूँगा, क्या आप जो मॉक टेस्ट जो देते हो उसके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको एनालिसिस करो, उनको ध्यान में रखो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा क्यों रॉन्ग हो गया था, क्या रिलेटेड फॉर्मूला मैंने मिस किया था। एक चीज ध्यान में रखो, बहुत बार होता है कि हमको लगता है कि सीटी कैसे कि जेई लेवल का एग्जाम नहीं है तो पेपर इजी आता है, ऐसा नहीं रहता। सीटी का एग्जाम देखो, जो भी डेटा मिलता है, आप मॉक टेस्ट देते हो, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये सर ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये आएगा नहीं सीटी में, तो बट ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे भी बहुत लगता था कि सीटी का एग्जाम इजी होता है, 12th का पढ़ाई किया उस पर ही हो जाएगा, बट हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर, आप रेडी रहो हार्ड के लिए, सो दैट आपको इजी क्या हो जाएगा, ठीक है। सो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, एंड जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ो, या उस रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपके बुक में है वो सॉल्व कर लो, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम आपका उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रॉन्ग ना हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक बार देख लिए, तब एक बार उसको वापस देखो, ठीक है, आपको कितना याद है, कौन सा क्वेश्चन यदि आप जब सॉल्व कर रहे थे कि आपको लगा था कि ये मुझे नहीं आया रहा था, एग्जाम में आ रहा था, तो क्वेश्चन को देखो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो मॉक टेस्ट दे दिए हैं उनको वापस देखो ही मत, उनको देखो। यदि आपका सिलेबस आपका एक बार पूरा पढ़ के हो गया है तो भी हर रोज, हर मतलब बोलते हैं ना, उसको वापस एक बार पढ़ो, ठीक है। जब भी आप वापस पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो नया पता ही चलता है। तो ये जो भी मॉक टेस्ट आप देते जा रहे हो उनको एनालिसिस करते जाओ, और मॉक टेस्ट देते ही जाओ। मैंने ऑलरेडी अपने साइट पे, अपने चैनल पे 45 मॉक टेस्ट बोला है, जिसमें से मैंने मैक्सिमम 35 मॉक टेस्ट आई थिंक प्रोवाइड कर दिए हैं PCM के। तो उनको 35 मॉक टेस्ट यदि आपने दे दिए हैं तो उनको रिवाइज करो सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। वो भी बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। थर्ड थिंग, यदि आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर वो वीक है, तो उस चैप्टर अभी टाइम है, तो मैं बोलूँगा उस चैप्टर को ज़्यादा MCQ सॉल्व कर लो, ठीक है। उस चैप्टर के जो लगता है ये कॉन्सेप्ट हमेशा मेरा प्रॉब्लम इसका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी MCQ बुक रहेगी आपके पास। यदि आपके पास नहीं, आपके फ्रेंड से बोलो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का मुझे MCQ बुक का फोटो भेज दो, सो दैट वो MCQ प्रैक्टिस करो। दूसरे फ्रेंड के क्लासेस जो रहते हैं उनसे मांग लो इस चैप्टर के, तुम्हारे क्लास के बुक के PDF दे दो, बुक के चैप्टर्स के इमेज दे दो, ठीक है। तो जो चैप्टर हार्ड है उनको ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैथ्स में आपका ये हो गया चैप्टर, आपका वो कर्व वाला अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में आता है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ करके का आता है ना, तो वो वाले प्रॉब्लम कर लो, ठीक है। सो जो भी चैप्टर वीक है उसको अभी टाइम है, तो उसके ज्यादा MCQ सॉल्व कर ले तो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आपका केम में 30+ आ रहा है, फिजिक्स में 30+ आ रहा है, जो कि अच्छा स्कोर है, मैथ्स में 70+ आ रहा है, तभी आपके पास टाइम है। 1 महीने में आपका मैथ्स में 90+ हो सकता है, केम में 40+, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैथ्स में 90+ ट्राई करो, फिजिक्स केम में 40+ ट्राई करो, ठीक है। 50 से 40+, 40+ और इधर 90+ आ रहा है तो उसके बाद बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये हो सकता है आपका स्कोर 20 मार्क्स मैथ्स में बढ़ाओ, क्योंकि मैथ्स में 10 क्वेश्चन आपके और एक्स्ट्रा राइट होने चाहिए, राइट। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, तीनों में आपके 10 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और राइट होने चाहिए। उनके लिए क्या करो, मॉक टेस्ट जो भी देते जा रहे हो उनके क्वेश्चन
उनको कैसे एक बार रोज जैसे मतलब एक बार मॉक जितने भी मॉक कोई भी दूसरा मॉक टेस्ट देने से पहले प्रीवियस वाले मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लो, ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लो। ओके, आपको क्वेश्चन कैसे हो जाना चाहिए, देख याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो मैं इसको सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। और जो चैप्टर वीक है उसके एमसीक्यू एक्स्ट्रा सॉल्व करो। सर मुंबई में कोरोना के पेशेंट ज़्यादा है तो विजिट डे के एडमिशन पे कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? देखो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि विजिट डे में केवल मुंबई के स्टूडेंट्स ही एडमिशन नहीं लेते, 50% तो स्टूडेंट्स आउटसाइड मुंबई के रहते हैं, क्योंकि जो विजिट डे जैसे कि टॉप इंस्टीट्यूट है तो इसमें ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे हैं। अभी सारे टॉपर मुंबई में ही नहीं रहते ना, मुंबई के आउटसाइड भी हो सकते, पुणे हो सकते, औरंगाबाद हो सकते, नासिक, नागपुर से, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पब्लिक क्या रहते हैं आउटसाइड मुंबई रहती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। तो ऐसा कुछ मुंबई में ज्यादा पेशेंट इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा एडमिशन पे। विजिट आई टॉप इंस्टीट्यूट है, इसका हमेशा की तरह जो भी स्कोर रहता है पर ब्रांच, कोई भी ब्रांच ले लो उसमें ज्यादा ही कटअप लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैथ्स में सारे चैप्टर पढ़ना है, 11th के जो 8 चैप्टर दिया है बुक में, देखो देखो जो भी आपका मैथ्स के 11th के चैप्टर जो आपको सिलेबस में दिया है सीटी के वही पढ़ो, जैसे सिक्वेंशियल सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन है, सर्कल्स कॉनिक्स है, स्ट्रेट लाइंस है, तो ये सब जो चैप्टर आपको दिया है ना मैथ्स का सीटी का सिलेबस में वही 8 चैप्टर्स पढ़ो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिगो का जो चैप्टर है आपका 12th में भी है तो उसको पढ़ लो ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है आपका 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है तो उसको पढ़ लो ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपको क्वेश्चन जो भी आपको सेमेस्टर सीटी सिलेबस का पीडीएफ में दिया है वो इतने ही चैप्टर्स पढ़ो 11th के, बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर्स मत पढ़ो, ठीक है। और 11th के क्वेश्चन कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, यदि आपके केवल बोलते हैं ना 11th के गवर्नमेंट बुक के प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर लिए तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। सो बहुत कम ही क्वेश्चन थे, सो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो बच्चे को पढ़ाई हो गया वो अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करो, ठीक है, रोज रिवीजन करो फॉर्मूला वगैरह का। यदि ज़्यादा पढ़ाई करके बोर हो गए तो रेस्ट लो थोड़ा, बट दिमाग में रखो कि पढ़ाई करना ही है। यदि आपको और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे देना, मैं आपको नेक्स्ट जनरल टॉक में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।